आधी रात को मारा छापा, मकान खेत और झाड़ियों से 100 पेटी अवैध शराब जब्त। नमस्कार, मैं हूं शारदा काला, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की विशेष खबर। आबकारी और पुलिस विभाग की टीम ने पंचायत चुनावों में खपने आई शराब पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आधी रात को छापामार कार्रवाई करते हुए 100 पेटी अवैध शराब जब्त की है। यह शराब घरों से लेकर खेत और झाड़ियों में छिपाकर रखी हुई थी। करीब 6 लाख रुपए कीमत की इस शराब के साथ एक आरोपी भी पकड़ा गया है, जिससे अवैध शराब के पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में खपने के लिए राजस्थान तक से भारी मात्रा में अवैध शराब आ रही है। गुरुवार की रात 10 बजे के करीब कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने केलारस चिन्नौनी के बीच भवानीपुरा गांव में भारी मात्रा में अवैध शराब पहुंचने की सूचना मिली। रात में की कलेक्टर ने पुलिस व आबकारी विभाग की टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन, DSP आयुष अलावा SDOP संजय कोच्चा, साइबर सेल प्रभारी सचिन पटेल के साथ केलारस व चिन्नौनी थानों की पुलिस को रात 3 बजे मौके पर भेजा। करीब 2.5 घंटे की छानबीन में पुलिस ने भवानीपुरा के एक घर, उसके बाद खेत और झाड़ियों में 94 पेटी अवैध शराब ढूंढ निकाली। जिस गाड़ी से यह शराब लाई गई थी, पुलिस टीम ने उक्त गाड़ी को भी ढूंढ निकाला, जो घर से दूर पेड़ों के पीछे छिपाई गई थी। उक्त मिनी लोडिंग वाहन में 4 पेटी अंग्रेजी शराब रखी हुई थी। पकड़ी गई 50 पेटी शराब में 10 पेटी गोवा, 50 पेटी एपिसोड, 20 पेटी काउंटी क्लब और 20 पेटी अपाचे क्लब ब्रांड की है। आबकारी विभाग के अनुसार जब्त हुई शराब का बाजार मूल्य करीब 6 लाख रुपए है। जिस मकान में यह शराब मिली है, वहां युवराज सिंह नाम का आरोपी मिला, जिस पर आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर शुक्रवार को ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।